सो दरअसल ये बहुत ही क्यूट सा केस है जहाँ पर एक बच्चा धोखे से हमें बुलाता है अपने घर पे ये बताने के लिए कि उसके माँ बाप अलग हो रहे हैं और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो और चाहता है कि पुलिस इसमें उसकी मदद करे, जो कि बहुत ही क्यूट सेंसिटिव सा टॉपिक है और उम्मीद करते हैं कि हम इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मैम नवरात्रि आपसे स्टार्ट हो गया तो क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? वाओ, आई थिंक इस साल तो कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल हो नहीं पाएगा बिकॉज हम लोग बहुत कट टू कट शूट कर रहे हैं, सो आई विल बी शूटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अदरवाइज मुझे गरबा करना बहुत पसंद है और आई लव द होल वाइब कि हर जगह से कहीं ना कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है, कुछ ना कुछ होता है, सो प्लीज़ मेरी तरफ से आप लोग इन्जॉय कीजिए एंड हैव अ हैप्पी 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 नवरात्रि। मैं नहीं चाहता वो दोनों अलग, मैं नहीं चाहता कि दोनों अलग रहे, मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ रहे। मम्मी जगह छोड़ कर ना जाए और मम्मी घर छोड़ के ना जाए। बोलो एक मिनट बोलो उनको, एक मिनट इधर आ जाओ, भागने चलो भागने चलो भागने चलो भागने चलो भागने चलो भागने चलो, एक मिनट बोल। लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर घर में कोई चोर घुसा है, तुम चोर क्या रहे? आंटी मैंने तुझे कितना बोला था कि घर पे जल्दी आ जाओ, मैंने ये कब कहा कि घर पे चोर घुसा है? अच्छा बदमाश, तो तुम पुलिस के साथ मजाक कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि पुलिस के साथ मजाक करना कितनी गलत बात है। आंटी मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे सच में पुलिस से बात करनी थी, इससे पहले कि मम्मी वकील अंकल से मिलकर वापस आ जाए मुझे पुलिस से आपसे बात करनी थी। एक्चुअली सॉरी, एक सेकंड इसके वापस आने से क्या मैं बंदूक रख दूंगी, मैं ऐसा